नमस्ते। सॉरी, लाइट चला गया था और इसके लिए मैं या सिर्फ राइमा वैली में लाइट नहीं कटता है, सिर्फ डुम्बूर में लाइट नहीं जाता है, ओम्पी में लाइट नहीं जाता है, पद्दुबिल में लाइट नहीं जाता है, गांव में लाइट नहीं जाता है, राजबाड़ी में भी कभी कभी लाइट काट दिया जाता है। एनीवे, मैं कहाँ में था? हाँ, मेरा क्वेश्चन जो मैं लाइव कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लाइट कट गया, इसके लिए करेक्शन चला गया था। अभी लाइन ठीक है? यू कैन ऑल हियर मी? सब लोग ठीक से सुन सकते हैं मुझे? ओके। तो एक क्वेश्चन था फ्रॉम अमरजीत देव वर्मा और पार्थ देव वर्मा कि आर ग्रेटर दीपरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन द सेम थिंग? इफ नॉट, इज 244A और डायरेक्ट फंड? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर सब आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आता है और वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड तो हो गई, ऑब्वियसली 244A तो हो गई, ऑब्वियसली जो हमारा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, वो भी हम रखेंगे। दूसरा पार्टी वो उनका पॉइंट रखेगा, लेकिन जब हम 10 पॉइंट रखेंगे, वो 10 पॉइंट रखेंगे और जब बात होगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन सोल्यूशन कोई मुझे जेल में नहीं डाल सकता अगर मैं कल बोलता हूँ ग्रेटर दीपरालैंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अलाउ करता है। हम जाके बात करेंगे, वो कहेंगे कि चलो ये अभी नहीं है, वो नहीं है, मैं बोलूँगा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब बात होगा, आमने सामने बात होगा, बराबर का बात होगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स में हम अग्री करते हैं उसको तो हम आज सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड तो अगर बीजेपी कह रहा है हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, IPFT कह रहा है हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हाँ, CPM कह रहा है हाँ, कांग्रेस कह रहा है हाँ, तो शुरू कर दीजिए। जमीन का अधिकार, अगर मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो सॉल्व कर दीजिए। अगर विलेज पुलिस आना है तो मैं कह रहा हूँ कि लाइए, आप कहता है ठीक है, तो हो जाएगा। हमारा जो अधिकार है, जहां में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते हैं, उसको तो अग्री कीजिए। तो ये बात मैंने कहा है राइटिंग में होना चाहिए। और जब तक, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राइटिंग में इंटरकलेटर का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम जहां में हैं वहीं में बैठ के रहेंगे। हमको तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा, ये मेरा पोजीशन है। अभी और एक क्वेश्चन आया है धन त्रिपुरा और थॉमस से। देर इज नो क्लियर स्टेटमेंट गिवन बाय बीजेपी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। इवन अमित शाह डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑन द इश्यू। ठीक, डू यू ट्रस्ट बीजेपी? आई ओनली ट्रस्ट माई तिपरासा पीपल, आई ओनली ट्रस्ट माई तिपरासा पीपल। बट द होम मिनिस्टर हैज़ टोल्ड मी क्लियरली that there will be an interlocutor, there will be official talk, and we will be invited for official dialogue with the government of India. He said that yesterday. Sambit Patra ने अपने पार्टी के ओर से जो बोला है, मैंने भी ट्वीट किया कि बात होगा। बीजेपी ने तो उसको नहीं बोला है कि बात नहीं होगा। Has BJP said that ये बात होगा? जो मैंने ट्वीट किया है, जो मैंने फेसबुक में स्टेटमेंट दिया है कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि बात होगा और एक इंटरलॉक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा, मैंने ये स्टेटमेंट कल दिया है। त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है। अगर ये बात नहीं सच होता तो डिनाई करो, डिनाई नहीं किया है ना, क्योंकि ये मुझे बोला गया है। अब देखना है कि आने वाले दिन में इसका नोटिफिकेशन आता है और हम बात कैसे शुरू करते हैं। अगर नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमें ये बात कहा है तो हमें उनको समय देना चाहिए कि वो एक ऑफिशियल इंटरलोकेटर अपॉइंट करें। और मैंने स्टेटमेंट जो बाहर में दिया है, पब्लिक में है, मीडिया के सामने है, बीजेपी ने तो और स्टेट गवर्नमेंट ने तो उसको डिनाई नहीं किया है, तो इसका मतलब है अश्योरेंस तो मिला होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्पेक्युलेशन कथार जमातिया से। देर इज स्पेक्यूलेशन
that Tipra Motha will become part of government as three ministers post is still vacant. मैं जानता हूँ कि three ministers post vacant है, लेकिन हम लोग इलेक्शन जीत के नहीं आए क्योंकि तीन आदमी को मिनिस्टर बनाना था। हम लोग इलेक्शन जीत के आए आपका प्यार से, और आपको बोला गया है कि आपको आपका संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा। तो जब तक हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का अग्रीमेंट नहीं होता है, तब तक हम मिनिस्टर नहीं बना, गवर्नमेंट में पोस्ट, मिनिस्टीरियल पोस्ट नहीं लेंगे। जो गलती आईपीएफटी ने 2018 में किया कि कमेटी बनने के बाद इमीडिएटली मंत्री बन गए, उसके बाद चुप रहे क्योंकि मंत्री बन गए तो प्रेशर नहीं कर सके गवर्नमेंट को हमारा बुकुंग बारा का अधिकार के बारे बात करने के लिए, वो गलती आईपीएफटी का गलती तिपरा मोथा नहीं करेगा। जब तक हमारा सॉल्यूशन का अग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जब तक हमारा डिमांड का अचीवमेंट नहीं होता है, जब तक हमारा तिपरासा को कुछ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। आई होप मैं क्लियर हूँ, क्योंकि दो तीन लोग लिखते रहते हैं, दो तीन लोग लिखते रहते हैं, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता। मैं ना एमएलए हूँ तो मैं मंत्री भी नहीं बन सकता, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे आपको कुछ देना है, और आपको अगर कुछ देना है तो इसके लिए एक होकर हमें एक संग रहना है। आपको संग गद्दारी नहीं करना है। जो गलती आईपीएफटी ने किया वो गलती बुबागरा नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन है अगेन बाय कथार, इफ नॉट नाउ देन व्हेन एंड आर यू विलिंग टू सिट इन द ऑपोजिशन? जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्या प्रॉब्लम? इतना साल ऑपोजिशन में बैठे, सीपीएम के अगेंस्ट ऑपोजिशन में बैठे, बीजेपी के संग ऑपोजिशन में बैठे, बैठ जाएंगे। हमारा जो 13 एमएलए है वो तो कोई सरकार में आज तक एक भी एमएलए मंत्री बना नहीं, सिर्फ अनिमेश और विश्वकेतु पहले एमएलए थे, वो टाइम भी ऑपोजिशन में थे, और अनिमेश जब विश्वकेतु था वो तो मंत्री नहीं बना। तो हमको कोई लालच नहीं है, और जो हमारे 11 एमएलए और हैं सब नए नए हैं, फ्रेश हैं। एमएलए बना वो भी आपका आशीर्वाद है, वो भी आपका कृपा है, उससे हम खुश हैं। अगर कुछ और मिलता है तो हमसे पहले हमारा तिपरासा को 14 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, उसके बाद हमें कुछ दे दो, लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा हम लोग अपने लिए कुछ नहीं लेंगे। अमित त्रिपुरा से एक क्वेश्चन है, देयर इज सम सर्कुलेशन इन सोशल मीडिया, कुछ सर्कुलेशन है सोशल मीडिया में कि कुछ डिमांड लिस्ट दिया गया था, ये सही है कि गलत है? हमने जो भी डिमांड्स हम देंगे हम ऑफिशियल इंटरलॉक्यूटर को देंगे, फेसबुक में और सोशल मीडिया में शेयर नहीं करेंगे। ये बात हाई लेवल में है, ये बात हम फेसबुक से या सोशल मीडिया से लीक करके, ये सब जो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है वो फेक है। जो भी होगा वो हाई लेवल में होगा। हम लोग अपना जो डिमांड है वो हाई लेवल को कमेटी को देंगे, और जब अप्रूव होगा तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या बात हो रहा है। तो ये जो चल रहा है सोशल मीडिया में वो 100% नकली फेक खबर है। आरती रियांग एंड सचलांग दे बर्मा से एक क्वेश्चन है, ये मेरा प्राइवेट क्वेश्चन है, ये बताया आपको आपका हेल्थ, अरे वो मैं बाद में आंसर करता हूँ अपना हेल्थ के बारे। सरिता चौधरी और नुपुर पाल ने एक सवाल पूछा है 10,323 टीचर का। डियर बुबागरा, विल यू हेल्प 10,323 टीचर्स? I have a little daughter and my husband is no longer alive. बहुत दुख लगा आपका सुन के कि आपका हस्बैंड अब नहीं है और आपके पास एक छोटी सी बेटी है।
मैं आपको गारंटी करके बोलना चाहता हूँ कि जब हम बात करेंगे तो आपका इशू भी 100% उठाएंगे और वन टाइम सॉल्यूशन का आपका भी, वन टाइम सेटलमेंट का आपका भी मैं बात करूँगा। आपने 10,323 टीचर्स ने बहुत कष्ट उठाया है, मैं जानता हूँ, और मैं आपका बात उस डायलॉग में भी उठाऊँगा और जो बात कोर्ट में चलेगा उसको भी मैं उठाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, इलेक्शन ख़त्म हो गया इसके ये मतलब नहीं है कि 10,323 टीचर को मैं भूलूँगा। मैं आपका फाइट, आपका जो आपके संग जो गलती काम हुआ है, आपके संग गलत काम हुआ है, उसके लिए मैं इशू उठाते रहूँगा और जो डायलॉग होगा उसमें भी मैं ये बात उठाऊँगा, राइटिंग में उठाऊँगा। मैं आपको ये आज इस लाइव वीडियो से गारंटी देना चाहता हूँ 10,323 टीचर्स का कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगा। अब तो इलेक्शन भी नहीं है, वोट भी नहीं है, तभी भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और मैं होप करता हूँ कि मैं अपने ट्रीटमेंट से जाने से पहले आपके रिप्रेजेंटेटिव से एक बार मिल लूँ और एक बार अच्छे तरीके से बात करूँ। आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। थैंक यू, आई होप यू आर। और एक क्वेश्चन आया है प्रसून देव वर्मा से, प्रसून देव वर्मा, उसका सवाल है कि क्या 13 MLAs एक संग रहेंगे? ये 13 MLAs कहीं नहीं जाएंगे, ये 13 MLAs का खून भी आप ही का खून है और मैं 100% जानता हूं कि कोई हमारे 13 MLAs को इधर से उधर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका दिल टूट गया ना, अगर आप अपने आप को डाउट करने लगे ना, तब ये 13 MLA का भी दिल में थोड़ा सा डाउट आएगा। जब आप अपने आप को डाउट करते हो तब बुबागरा अपने आप को डाउट करता है। जब आप अपने लाइन में खड़े रहते हो ना, तब बुबागरा को भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे संग, आप सब है। हमको जो पावर है ना वो आपसे आता है। अगर आप एक रहेंगे, अगर आप थानसा रखेंगे तो मेरा 13 MLA को भी शक्ति मिलेगा एक रहने का। लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप अपने ऊपर डाउट करोगे, तब हमारे लोग कमजोर होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम में से कोई भी 13 MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा जब तक हमको कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन नहीं मिलता, ये मेरा गारंटी है। और एक सवाल आया है, और एक सवाल आया है अनंत रक्षित से, अनंत रक्षित, उसने हमको पूछा है कि इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है, बंगाली ने किसको वोट किया, ट्राइबल ने किसको वोट किया। देखिए मेरे पास कागज है, डेटा है, मेरे पास डेटा है, पूरा डेटा है मेरे पास, और डेटा में क्लियरली लिखा गया है कि 62%, ऑलमोस्ट 62%, 60 से ऊपर जो हिंदू बंगाली बूथ एरियाज हैं जहां में हिंदू बंगाली ज़्यादा थे, वहां में बीजेपी ने CPM और कांग्रेस से ज़्यादा वोट लिया। इसका ये मतलब है कि मोस्ट बंगालीज जो नॉन माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू हैं ज़्यादा करके, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। दूसरा डेटा में आया है कि अबाउट 75-77% ओवरऑल जो तिपरासा है उन्होंने तिपरा माखा को वोट किया। और तीसरा डेटा है कि अनंत बाबू, ये तीसरा डेटा है कि ये जो मुसलमान एरिया है जहाँ में CPM फाइट किया है या कांग्रेस फाइट किया है, वहाँ में ओवर 90% ने CPM और कांग्रेस को वोट किया,
मोथा को वोट नहीं किया और बीजेपी को वोट नहीं किया। तो इससे क्लियर बात है कि ट्राइबल ने मोथा को ज्यादा वोट किया है, ये डेटा बता रहा है। बंगाली हिंदू ने ज्यादा बीजेपी को ओवर 60% वोट किया है और मुसलमान ने ज्यादा करके वोट किया है फॉर सीपीएम कांग्रेस। तो जो लोग आज मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप मुझे मालूम नहीं आप किसको वोट करते हैं रक्षित बाबू, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आरोप है मेरे ऊपर कि महाराजा ने ट्राइबल को बोला कि कांग्रेस और सीपीएम को वोट नहीं देने के लिए। डेटा क्लियरली बता रहा है कि आपके खुद के ही कम्युनिटी ने, आप अपने ही कम्युनिटी का वोट अपने पार्टी में नहीं ला सके, आप खुद ही अपनी कम्युनिटी के वोट आपने बूथ से, ये पूरा बूथ का डेटा है का वोट ने ज़्यादा करके बीजेपी को वोट किया, तो आप मेरे ऊपर उंगली क्यों डालते हैं? आज अगर आप देखेंगे, यही अगर आपका जस्टिफिकेशन है, तो अगर आपको लगता है तो आपने बागमा में कैंडिडेट क्यों दिया? आपने तो तिपरा मोथा को हराया, बीजेपी जीता। आपने चरिलाम जहां में हम लोग बहुत छोटे मार्जिन से जीते, आपने कैंडिडेट क्यों दिया? वहां में तो तिपरा मोथा जीता, लेकिन अगर आप वोट कैंडिडेट नहीं देते तो और ज्यादा जीता, ये सही बात नहीं। शांतिर बाजार में आपने कैंडिडेट क्यों दिया? आपका तो चांस नहीं था। आपने छामानु में क्यों दिया? आपका तो चांस नहीं था। आपने कैंडिडेट दिया, इसके लिए वोट बटा, हम लोग हारे। कृष्णपुर में क्यों दिया? करमछरा में कोई चांस नहीं था, आपने क्यों दिया? तो आपने भी, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत जगह से सेकंड नहीं आए, बहुत जगह में सेकंड आए, और हम लोग हारे क्योंकि आपका वोट विनिंग मार्जिन से ज्यादा था। तो ये लॉजिक सिर्फ हमारे ऊपर अप्लाई होगा नहीं होगा? एक और एक इंटरेस्टिंग बात है, जितेंद्र चौधरी बहुत कम वोट से जीते, क्यों जीते? तिपरा मोथा ने अगर कैंडिडेट दिया होता तो जीता। आज जितेंद्र चौधरी जीता है क्योंकि तिपरा मोथा, तिपरा शाह ने उनको वोट किया। जनरल एरिया में तो जितेंद्र चौधरी हार रहे थे। 18 ऐसा सीट है जहां में मैंने कैंडिडेट नहीं दिया, वहां में मैक्सिमम कौन जीता है? तो गलती सब तरफ से हुई है, एक आदमी को गलती उंगली पॉइंट करके करने से ठीक नहीं है। गलती सबसे होता है, लेकिन किसी को दलाल बोलना, किसी को बोलना इसने ये रुपया खाया, वो गलत बात है। आप ऑपोजिशन यूनिटी के बारे बात करते हो, जिस दिन हारे अपना हार को नहीं स्वीकार करके आप दूसरे के ऊपर उंगली लगाते हो, ये गलत बात, ये मानना पड़ेगा। 25 साल ट्राइबल का वोट लेके सीपीएम ने राज किया त्रिपुरा में, 25 साल ट्राइबल का वोट लेकर सीपीएम ने त्रिपुरा में राज किया। जिस दिन सीपीएम ने ट्राइबल का चेहरा जितेंद्र चौधरी को बनाया, उस दिन सीपीएम का वोट बीजेपी में चला गया। उसमें भी आप थोड़ा सा गंभीर से बात सोचिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सच्चाई है, मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम हिंदू बंगाली बीजेपी को वोट कर रहा है। मुसलमान का कंसोलिडेशन से ममता बनर्जी जीत रही, डेटा बता रहा है। त्रिपुरा में भी मैक्सिमम जनरल एरिया के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को, और ये सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपका पड़ोसी वोट कर रहा है, आपका भांजा वोट कर रहा है, आपका भाई वोट कर रहा है, आपका रिश्तेदार वोट कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो इसके ऊपर मेरे ऊपर आरोप देना गलत। ट्राइबल किसी का जागीरदारी नहीं है,
किसी का वोट बैंक नहीं है, आज एक आंचलिक पार्टी बना है अपने अधिकार के लिए बात करने के लिए, और हम लोग अपना अधिकार के लिए बात करेंगे। 25 साल तक आप लोग हमारा वोट लेकर पावर में रहे, आज आपने जब खुद एक जनजाति को सीएम का फेस बनाया तो वोट नहीं मिला, क्योंकि आप ही के लोगों ने बीजेपी को ज़्यादा वोट किया, एक जनजाति फेस को वोट नहीं किया। ये आपके अंदर भी डिस्कशन होना चाहिए। अब कोई दूसरा सवाल आता है। आई होप हाउ इज द ट्रैक्शन गोइंग, हाउ मेनी पीपल, गुड। मैं अंत में दो तीन को ख़त्म करता हूँ। एक अच्छा पॉइंट्स मैंने मेरे सामने आया था। सबसे पहले पॉइंट्स आया था कि आपका आने वाला रास्ता क्या होगा। मैं आज फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, कल मैं जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री को विश करूँगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन के लिए इंटरलोकेटर का रिटन नोटिफिकेशन आता है, उस दिन से हम कंस्ट्रक्टिवली बात करेंगे, लेकिन जब तक नहीं आता है, ऑपोजिशन में जगह बहुत अच्छा है, हम वहाँ में बैठेंगे और वहाँ से हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। और एडीसी में इतना कम पैसा मिला है, एडीसी में फंड रिलीज नहीं हुआ है, मैं अनुरोध करता हूँ कि हमने जनादेश मांगा, माना। पीपल ऑफ त्रिपुरा हैव वोटेड फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मानिक शाह, आई विश हिम द बेस्ट, ही विल नाउ बी द हेड इन द गवर्नमेंट, बट त्रिपुरा सा पीपल हैव ऑल्सो वोटेड फॉर अस। और अगर आपको 30% त्रिपुरा सा को छोड़ के त्रिपुरा को चलाना है, तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं, आपको हमारा बात सुनना पड़ेगा। आज त्रिपुरा मोथा को इतना वोट क्यों मिला है, क्योंकि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, जेन्यून प्रॉब्लम है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आपने देखा होगा मेरा पिछले 2 महीना में ऑलमोस्ट 12 से 13 किलो वजन घटा है, तबीयत ठीक नहीं, मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना है, लेकिन मैं अपने लोगों को आधे रास्ते में छोड़कर, धोखा देकर गद्दारी नहीं कर सकता। और यहाँ में फेसबुक में एक दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, मैंने देखा सुमन कोई है आपका, वेर इज योर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, सुमन मजाक मत उड़ाओ, किसी का मजाक मत उड़ाओ, मैं आपको आंख में आंख देखकर बोल रहा हूं, हम लोग हानि भुसा है, मजाक मत उड़ाओ। प्यार से बात करोगे तो प्यार से इज्जत मिलेगी, मजाक उड़ाओगे तो आने वाले दिन में आप ही को कष्ट होगा। सम्मान दो, सम्मान लो। मेरा पार्टी का डिमांड जो है वो मेरा पार्टी का डिमांड है। आपका जो व्यू है वो आपका व्यू है, डिसाइड तभी होगा जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन किसी का मजाक मत उड़ाओ। हमारे अंदर भी दिल है, हमारे लोगों के अंदर भी दिल है, हमारा भी सेंटिमेंट है, ये मैं आपको प्यार से बोल रहा हूं, इसको चेतावनी मत समझना। लेकिन किसी भी गरीब इंसान का गांव में उसका मजाक मत। एनीवे इनको छोड़िए। एक दो क्वेश्चन, आरती रियांग एंड सचलांग दे बर्मा, वी नो योर हेल्थ इज नॉट गुड, हाउ आर यू नाउ, व्हेन आर यू गोइंग टू गो फॉर, आई विल गो फॉर माय ट्रीटमेंट आफ्टर अ फ्यू डेज, बट लेट मी नाउ फर्स्ट सिट विथ ऑल माय लीडर्स, माय पार्टी मैन, आई लव यू, यू नो यू हैव वोटेड फॉर मी सो मच, एंड बुबाग्रा विल, बिफोर समथिंग हैपन्स टू बुबाग्रा, मुझे कुछ होने से पहले आपको कुछ ना कुछ तो दूंगा, चिंता मत करो। जैसे मैंने कहा, आपसे मुझे शक्ति मिलता है,
आपका एकता देखकर मुझे पावर मिलता है, आपका एकता देखकर हमारे एमएलए को पावर मिलता है, हमारा ईएमज एमडी को पावर मिलता है। अगर आप कमजोर हो जाएंगे ना तो हम कमजोर होंगे। आपको मुझसे पावर नहीं मिलता, मुझे आपसे शक्ति मिलता है। तो आप लोग एक रहिए। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे यूनाइटेड। वी विल कम, गॉड विलिंग। ऊपर भगवान देख रहा है हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात आगे चलेगा, मिलेगा। और जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग जहाँ में हैं, जहाँ में थे, वहीं में रहेंगे। ये मेरा मैसेज है। बहुत लोग फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं। आपका दायित्व है कि जो मैंने आपको आज डायरेक्टली फेसबुक लाइव से बोला है, वो आप हर गाँव में जाके बोलिए, हर कामी में जाके बोलिए, और मेरा मैसेज सबके पास पहुँचाइए। बेलाय बेलाय नो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग आज 0 से 13 में आए हैं, एक दिन और भी आगे जाएंगे। डोंट वरी हम भाई।